मैं विनोद चौधरी एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम एक्सरसाइज 15वीं के बारे में पढ़ेंगे। 15वीं एक्सरसाइज में बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 15वीं और 16वीं दोनों एक्सरसाइज 10 नंबर की है, तो 5 नंबर के 15वीं एक्सरसाइज से आते हैं और 5 नंबर के 16वीं एक्सरसाइज से आते हैं। तो 5 नंबर में क्वेश्चन नंबर दूसरा 2 नंबर का और एक आएगा 3 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर होगा 13वां और 23वां। 13वां क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा, 23वां क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा। तो इसके जो जो फॉर्मूले हैं एक्सरसाइज के, वो अपन एक बार शॉर्ट पैटर्न में इनको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो प्रश्न वाली का नाम है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया, वर्थ का क्षेत्रफल और उसकी परिधि। तो वर्थ के अंदर अपने को जो जो फॉर्मूले आपने पहले भी क्लास में पढ़े हुए हैं, 9th क्लास के अंदर, 8th में और 7th के अंदर, तो उससे रिलेटेड है कुछ एक फॉर्मूले और कुछ एक नए हैं जो कि त्रिज्याखंड वर्थ खंड के। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन थोड़ा सा वर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं कि वर्थ किसे कहते हैं। कि वर्थ अगर किसी निश्चित बिंदु से, और वो निश्चित बिंदु क्या कहलाता है, इसमें केंद्र कहलाता है, किसी निश्चित बिंदु से अगर समान दूरी पर रहते हुए, जैसे ये निश्चित बिंदु है और इस बिंदु से समान दूरी बराबर दूरी पर रहते हुए ऐसे बिंदुओं का एक बिंदु पथ बनाए, और उस पथ को जो जो बिंदु आए उन सबको मिलाने पर जो एक पथ बन रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, वर्थ बोलेंगे। और उस उस निश्चित बिंदु से जो उसकी दूरी होगी वो क्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो यहां पर त्रिज्या को अपन आर से डिफाइन करेंगे, और वर्थ के अंदर अगर परिधि के दो बिंदुओं को मिला दिया जाए तो वो उसकी जीवा कोण कहलाती है, और अगर वही जीवा वर्थ के केंद्र से होकर गुजर रही है तो वो व्यास कहलाता है। और वर्थ में सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो वर्थ का व्यास ही होती है, यानी जो सबसे बड़ी कोर्ड होती है वो उसका डायमीटर होता है। तो इसके अंदर अपने जो फॉर्मूले हैं वो सबसे पहला फॉर्मूला है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वर्थ की परिधि, वर्थ की परिधि है 2πr। यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 या 22/7 लेंगे, तो ये वैल्यू आर्य भट्ट ने दी थी। तो आर्य भट्ट ने जो पाई की वैल्यू दी थी उसके अकॉर्डिंग ये कैसे निकला था कि अगर 100 में आर्यभट्ट ने एक सिद्धांत दिया था, जिसमें एक श्लोक में उन्होंने बोला कि अगर 100 में 4 जोड़कर उसे 8 से गुणा किया जाए और उसमें 62,000 जोड़ करके जो आंसर आएगा वो 20,000 व्यास वाले वर्थ की परिधि होगी, और उसमें उस व्यास का भाग दे दिया जाए 20,000 का, तो ये व्यास बट्टा में परिधि बट्टा में जो व्यास फॉर्मूला बनेगा, तो ये आंसर आएगा इसका ये 62,832 बटा में 20,000। तो 62,832 को आप 20,000 से डिवाइड करोगे तो 4 अंक बाद पॉइंट लग के आ जाएगा 3.1416। तो पॉइंट के बाद ये 4 अंकों तक आंसर दिया था, लेकिन अपने को पॉइंट के बाद यहाँ उसमें 2 अंकों तक लेना है, 3.14 तक के लेना है। तो इस तरह से उन्होंने आर्यभट्ट ने, जो एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहले जीरो की खोज की थी, तो उन्होंने पाई की वैल्यू दी थी। अब वर्थ की जो परिधि के अंदर फॉर्मूला होगा वो होगा 2πr, 2πr वर्थ की परिधि। तो यहाँ पर r का जो मान देगा एक्सरसाइज में वो 3.5, 7, 10.5, 14, 21, 28 ये वाली वैल्यू देगा, जो 7 का मल्टीपल होगा, तो उस टाइप के जो त्रिज्या देगा। दूसरा वर्थ का क्षेत्रफल, तो वर्थ का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसके अंदर 15.1 में दो फॉर्मूले ये भी यूज होंगे, वर्थ के बाद में वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप।
तो एरिया ऑफ स्केयर क्या होता है, साइड स्केयर, भुजा का स्केयर होता है। अगर आपको भुजा फाइंड आउट करनी है, साइड फाइंड आउट करनी है स्केयर की, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उस एरिया का स्केयर रूट। वर्क का परिमाप क्या होता है, पेरिमीटर ऑफ स्केयर 4 × साइड 4 × भुजा। अगर आपको परिमाप दे रखा है, भुजा निकालनी है, तो वर्ग का परिमाप में आप 4 का भाग दे दोगे। तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं वो 15.1 के अंदर यूज होंगे। एक ये भी यूज होगा, 2 सेकेंडरी वर्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो सेकेंडरी वर्त कौन से होते हैं, जिन दो वर्तों का केंद्र एक ही होता है लेकिन त्रिज्या अलग अलग होती है, तो सेकेंडरी वर्त या कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। तो यहाँ पे इनका सेंटर दोनों का एक ही है वो, और दोनों की जो रेडियस है वो अलग अलग है, एक की R1 है दूसरे की R2 है। यहाँ R1 इज ग्रेटर देन R2 है, R1 बड़ा है R2 से। तो दो सेकेंडरी वर्त के द्वारा दो परिबद्ध क्षेत्र बनेगा, ये जो बीच में मैंने छायांकित कर रखा है। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा कि बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्त के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए, तो पाई R1 के लिए बड़े वाले का होगा माइनस पाई R2 के लिए छोटे वाले का होगा। तो इन दोनों में से पाई कॉमन आने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। यहाँ पर अपने पास कई बार बड़ी वैल्यू आ जाएगी 35, 28, तब आप इसमें जो बीजगणित में सर्वसमिका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसे कर लीजिएगा, उससे ये थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब आगे जो एक्सरसाइज के अंदर 15.2 और 3 में है, वर्त के त्रिज्याखंड और वर्त खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड को बोलते हैं इंग्लिश में सेक्टर, और जो वर्त खंड को बोलते हैं सेगमेंट। तो त्रिज्याखंड और सेगमेंट ये क्या होते हैं, ये देखिए आप, किसी वर्त के अंदर, वर्त के अंदर दो त्रिज्याए जो इसी कोण पे हैं, जैसे ये कोण थीटा पे है, दोनों त्रिज्याओं के बीच और उसके चाप के द्वारा जो बीच में जो ये भाग बन रहा है, उनके द्वारा जो परिबद्धीय क्षेत्र बन रहा है, ये क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड। तो दो त्रिज्याओं और चाप के बीच, चाप यहाँ पे दो है, एक तो एक भी चाप है, चाप हमेशा एंटीक्लॉकवाइज लिया जाता है, और एक है BA चाप। तो BA चाप और AB चाप दो है, तो AB चाप ये लघु चाप है, ये लघु चाप है, माइनर है, ये माइनर आर, और BA चाप है वो है मेजर आर, तो ये है दीर्घ चाप। तो लघु चाप है उनके द्वारा केंद्र पे कोण है वो 180 डिग्री से छोटा बनेगा, और दीर्घ चाप के द्वारा जो केंद्र पे कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, ये वृत्त कोण होगा जिसका मान 180 से बड़ा होगा। तो यहां पर त्रिज्याओं और चाप के बीच का जो भाग होगा उसे बोलेंगे अपने त्रिज्याखंड। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर तो आपने वर्त में पढ़ा हुआ है, तो इसमें नया क्या आ गया, थीटा बटा 360 से गुणा हो रहा है। यहाँ थीटा की वैल्यू अगर 360 हो जाए तो ये त्रिज्याखंड है, ये पूरा वर्त कवर कर लेगा, तो जिससे 360 बटा 360 एक हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर किसका सूत्र बन जाएगा, वर्त के क्षेत्रफल का बन जाएगा। तो यहाँ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर है पाई आर स्क्वायर बटा में 300, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यहाँ थीटा का मान आपको देगा, आर का मान देगा, आर और थीटा का मान देने पर आपको उस त्रिज्याखंड सेक्टर का आपको एरिया पूछेगा। अब एक इसमें ये भी पूछता है चाप की लंबाई, यानी जो चाप है ये AB चाप है या BA चाप है, तो इसकी लंबाई का सूत्र क्या है, पाई आर थीटा बटा में 180। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2πr थीटा बटा में 360। देखो दोनों में अगर बटा में 360 है तो कोई दिक्कत नहीं, कई इसमें क्षेत्रफल वाले में 180 लिख देते हैं और इसमें 180 की जगह 360 लिख देते हैं। तो अगर 360 रखना है तो इसको 2πr लिखोगे, तो ये 2 से 360 कट कर 180 बन जाता है, जिससे देखो दोनों में तो गुणा जो कर रहे हैं वो थीटा बटा 360 का ही कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये थीटा बटा 360 का ही कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल जिसमें आ रहा है उसमें तो पाई आर स्क्वायर आ रहा है, और जिसमें जो चाप आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2πr से गुणा हो रहा है। तो चाप है वो किसका अंश होता है, ये परिधि का अंश होता है। तो परिधि का जो ये AB इतना भाग है ये वर्त का क्या है, चाप कहलाता है। तो यहाँ अगर थीटा का मान 360 हो तो ये पूरा परिधि बन रहा है, तो 360 बटा 360 होने पर एक आ जाएगा, जिससे 2πr उस वर्त की क्या आ जाएगी, परिधि। तो अगर आप
बट्टा में दोनों में 360 लिखना चाहते हो तो 2 पाई आर थीटा बटा 360 बोलोगे, अदरवाइज पाई आर थीटा बटा 180 वाला फॉर्मूला याद रखिए। अब है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड कैसे बनता है कि वृत्तखंड है जो सेगमेंट है वो जीवा कोण के द्वारा डिवाइड होता है वृत्त को। जैसे वृत्त है और इस वृत्त में मैंने ये ए बी जीवा खींच दी, ये ए बी कोण है तो इसने इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया, एक छोटा भाग दिख रहा है एक बड़ा भाग दिख रहा है। तो ये जो छोटे वाला भाग है इसको अपने बोलेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड है ये, और जो ये बड़ा भाग है वो है दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड ये है माइनर सेगमेंट और ये है मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे कि इसके अंदर ये जैसे आपके अंदर से इसको ज्वाइंट कर दो तो ये जो पूरा भाग है ये क्या बन जाता है, ये पूरा भाग है त्रिज्या खंड बन जाता है। इस त्रिज्या खंड में से अगर ये त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल आप घटा दो तो ये जो बचा हुआ भाग होगा ये भाग ये कौन सा होगा, वर्त खंड होगा। तो वर्त खंड या एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या खंड का हो गया माइनस ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जहां पे दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण होगा उसका साइन लेना है। मोस्टली आप 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री देता है तो वहां पर आपको वैल्यू साइन 60 या साइन 30 या साइन 45 की रखनी है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में ये इतने फॉर्मूले हैं और उसके बाद एक्सरसाइज 15.1-2 और 3 है। तो उसमें अपन जो जो मेन मेन क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज से जिस टाइप के बोर्ड में आ रहे हैं 2 सालों में तो उस टाइप के मेन मेन क्वेश्चन अपन करेंगे जिससे आपका अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो उनके क्वेश्चन को अपन इस क्लास में करते हैं। तो अपन आगे शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज के अंदर 15.1 के अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये है फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में दो पार्ट है जिसमें एक में 132 दिया हुआ एक में 176 दिया हुआ। तो 132 वाला कर लेते हैं 176 वाला आप कर लेना। इसमें आपको त्रिज्या का मान दिया हुआ है और वृत्त का क्षेत्रफल और वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या को अपन आर से लिखते हैं, आर का मान कितना है 3.5। जब 3.5 हो तो आप इसे भिन्न में चेंज कर लो, तो 3.5 सात का आधा होता है तो इसको आप 7/2 से में लिख दो, अदरवाइज आप पॉइंट हटा करके बट्टा में 10 लिख के भी कर सकते हो। तो 3.5 है वो 7 का आधा होता है तो ये 7/2। ऐसे अगर 10.5 आता है तो उसे आप 21/2 लिख लीजिए ताकि आपको वहां पे दोबारा कैंसिल नहीं करना पड़े उसको। आर का मान 7/2 हो गया तो वर्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7/2 इंटू 7/2। अब अगर आप यहाँ 3.5 लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपको पॉइंटों में इसको काटना में आपको यहाँ फ्रैक्शन हो जाता पूरा क्वेश्चन। तो अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 की टेबल से ये 11 टाइम्स हो गया, 11 का 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 77/2 ये कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया क्षेत्रफल और इसकी प्रीति ज्ञात करनी है। तो प्रीति का सूत्र क्या है 2πr, तो 2 × 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो उत्तर कितना आ गया 22 सेमी। आप इसकी इकाई पे ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा यूनिट, परिधि है परिमाप है वो सिर्फ यूनिट आएगा और आयतन है यानी वॉल्यूम है वो यूनिट का क्यूब आएगा। तो आपको यहाँ पे त्रिज्या का मान दे करके क्षेत्रफल और परिधि पूछा था। अब इसका जो उल्टा है ये क्वेश्चन, इसमें परिधि दे दिया है और आपको त्रिज्या पूछा है, परिधि का मान 132 है त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो से परिधि, आर का मान ही एक अननोन होता है, अगर आर का मान आपको ज्ञात है तो आप क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात करनी है तो मान लो कि मानना वर्त की त्रिज्या आर है, तो इसकी जो परिधि दी गई है परिधि का मान दिया हुआ 132 सेंटीमीटर, परिधि को आप क्या बोलते हो 2πr, तो 2πr कितना 132। अब जो जो वैल्यू आपके पास है तो 2 × π का मान 22/7 होता है इंटू आर बराबर 132। जब ऐसी कंडीशन आए 15वीं और 16वीं एक्सरसाइज दोनों में आएगी तब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये जो दोनों संख्याएं हैं ये दोनों आर के गुणा में है, तो अगर ये दोनों 132 की तरफ जाएगी तो ये भाग में जाएगी,
तो भाग वाली फिर वापिस गुणा में चेंज होगी तो उनका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो आप क्या करो, इधर अगर गुणा में है और उनको आप राइट साइड में गुणा में भेज रहे हो तो उनका व्युत्क्रम करके भेज दो। तो यहाँ पे आर तो एज इट इज रहेगा, 132 गुणा 2/1 का हो जाएगा, 1/2 22/7 का हो जाएगा, 7/22, 22 की टेबल से ये 6 बार हो गया कैंसिल, 2 की टेबल से 3 बार हो गया, तो आर का मान 7 ये कितना हो गया 21 सेमी हो गया। तो इस तरह से अपने इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ये डायरेक्ट ये वाला कंटेंसेस है क्योंकि ये 7वीं क्लास के अंदर भी होते थे ऐसे क्वेश्चन। तो आपको यहाँ 10वीं के लेवल के अकॉर्डिंग परिधि या क्षेत्रफल दे करके और वो आपको त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। इस तरह से मैंने एक यहाँ पे टेबल बनाई है जो कि आपके 15 और 16 दोनों एक्सरसाइज के अंदर ही बहुत यूज होगी। यानी आपको जो आंसर है वो मौखिक अगर याद है तो आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ अपना आंसर सही है, ये त्रिज्या है तो ये क्षेत्रफल आएगा, ये परिधि है तो ये त्रिज्या और ये क्षेत्रफल आएगा। आर के जो मान आपको ये मिलेंगे सारे क्वेश्चनों में 15 और 16 दोनों में, 16 में भी होंगे क्वेश्चन क्योंकि वहां पे जो बेलन होगा उसका जो सिरा है वो वर्ताकार होगा, शंकु का जो आधार है वो वर्ताकार होगा, तो वहां पर भी उनका आधार और का जो क्षेत्रफल और परिधि दोनों देगा। आर का मान अभी जो अपन ने किया था 3.5, 3.5 में अगर परिधि पूछी तो 22 आंसर है और क्षेत्रफल पूछे तो 38.5 आंसर है। ऐसे ही आर का मान जैसे जैसे मल्टीपल होता जाएगा वैसे वैसे परिधि का भी तो मल्टीपल आता जाएगा, क्योंकि परिधि में तो सिर्फ आर एक ही बार है लेकिन क्षेत्रफल में मल्टीपल नहीं आएगा क्योंकि क्षेत्रफल में आर का स्क्वायर आता है, इसलिए आपको क्षेत्रफल को तो निकाल के चेक करना पड़ेगा। जैसे आर का मान 3.5 तो ये 22 और 38.5 अपन ने निकाला, आर का मान इसका डबल है तो परिधि तो इसकी डबल हो गई 44, आर का मान 10.5 है तो ये 3.5 का 3 गुणा है तो ये 22 का 3 गुणा हो जाएगा 66, ये 14 है आर का मान तो ये 7 का 2 गुणा है तो ये परिधि भी हो जाएगी 44 का डबल हो जाएगा 88, 21 है वो 7 का 3 गुणा है तो ये 44 का 3 गुणा हो जाएगा 132, ये 28 है वो 7 का 4 गुणा है तो ये हो जाएगा 44 का 4 गुणा 176, और आर का मान 35 रखेंगे तो 7 का 5 गुणा है तो ये 44 का 5 गुणा हो जाएगा 220। तो अगर परिधि के ये आंसर है तो आपको त्रिज्या के ये मान मिलेंगे, आपको तुरंत वेरीफाई हो जाएगी, आपको सभी क्वेश्चनों में परिधि का मान ये दिया गया है। और क्षेत्रफल में अभी जो अपन ने निकाला है यहाँ पे आपको जो परिधि दी गई है, अगर क्षेत्रफल पूछता तो त्रिज्या अपनी आई है 21, तो इसका क्षेत्रफल आता 1386, 7 वाले का 154, ये कई क्वेश्चनों में है, 16 एक्सरसाइज में भी है, बहुत सारे क्वेश्चनों में आर का मान 10.5 में मिलेगा आपको, तो उसका क्षेत्रफल एक ही क्वेश्चन में आएगा, आगे एग्जाम्पल है 16 के अंदर, और 14 अगर उसका त्रिज्या है तो क्षेत्रफल आएगी 616, अगर 21 है तो 1386, अगर 28 है तो क्षेत्रफल 2464, अगर 35 त्रिज्या है तो 3850, ये 35 है ये 3.5 है तो 3.5 का ये इसको 10 से गुणा किया गया है, 3.5 है तो अपने पास यहाँ पे 35 है तो ये हो जाएगा 3850 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे जो त्रिज्या और जो परिधि है तो क्षेत्रफल ये तीनों एक आप ऐसे टेबल से याद कर लोगे तो 15वीं और 16वीं एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा ये यूजफुल होंगे, तो आप इसको अच्छी तरह से देख करके एक दो बार इसको लिखोगे तो ये याद रहने लग जाएंगे। अब अपन आगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। आगे एग्जाम्पल नंबर 3, ऐसा ही क्वेश्चन प्रश्नावली 15.1 में चौथा क्वेश्चन है जिसमें साइकिल का जो पहिया है वो 100 चक्कर लगाने में 88 मीटर दूरी तय करता है, तो सेम पैटर्न रहेगा दोनों क्वेश्चनों का, इसमें 11 किलोमीटर चलने में वो कितने चक्कर लगा रहा है, 5000 चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज आपको पहिए से संबंधित ध्यान होना चाहिए, चाहे वो साइकिल का हो मोटरसाइकिल का हो, अगर कोई भी पहिया एक चक्कर लगाता है, जैसे ये पहिया इस पॉइंट पे था और ये पॉइंट दोबारा ये घूम करके और यहीं पर वापिस आए, तो यहाँ पर मान लो पहिए ने एक चक्कर पूरा कर लिया तो ये पॉइंट यहाँ पे वापिस आ गया इस जगह पे, तो एक चक्कर पूरा करने में ये यहां से ये दूरी तय करेगा और ये दूरी क्या कहलाती है, उसकी परिधि कहलाती है, क्योंकि ये भाग इस रोड पे चलेगा तो किसी भी साइकिल का पहिया मोटरसाइकिल का पहिया जब भी पहिए की बात आए तो उसके जो परिधि होगी वो उसके एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होगी। तो यहां पर आपको 5000 चक्कर में तय की गई दूरी दे रखी है, तो आपको जब भी व्यास ज्ञात करना है
या त्रिज्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले इसकी परिधि का ध्यान होना चाहिए, और परिधि निकालने के लिए आप एक चक्कर में तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एक एक नियम का यूज करेंगे कि 5000 चक्कर लगाने में पहिया कितना किलोमीटर चलता है, 11 किलोमीटर। तो चूंकि 5000 चक्कर लगाने में साइकिल के पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना चलता है, वो 11 किलोमीटर। अब एक चक्कर में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है तो आप 11 में 5000 का भाग दोगे, तो यहां पर 11 में 5000 का भाग दोगे तो इस कंडीशन में तो पॉइंटों में आएगा। तो अपन क्या करते हैं, इस किलोमीटर को छोटी यूनिट में बदल लेते हैं, तो किलोमीटर को मीटर बना लेते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 11 में हो जाएंगे, 11000 मीटर बन गया। अब अगर 5000 का भाग दोगे तो 11/5 आएगा, तो मीटर से फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 11000 में हो जाएंगे, ये 11 लाख सेंटीमीटर हो गया। तो 3 क्या गई है, 2 जीरो लग गए। पहले तो किलोमीटर से मीटर बनाया तो 1000 से गुणा हुआ तो 3 जीरो लग गया आगे, और फिर मीटर से सेंटीमीटर बनाया तो 3 पहले से थे, और मीटर से सेंटीमीटर बनाते हैं तो 100 से गुणा होता है तो 2 जीरो और लग गए, तो कुल ये 5 जीरो हो जाएंगे, तो 11 लाख सेंटीमीटर हो गया ये। अब अपने को एक एक नियम के अकॉर्डिंग ज्यादा का देकर के कम का पूछे, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 11 लाख में आप किसका भाग दे दोगे, 5000 का, तो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1100 में 5 का भाग देना है, तो 5 की टेबल से इसको काटोगे तो 5 × 10 फिर 10 बनेगा, 5 × 10 और ये 0, तो 220 सेंटीमीटर आ गया। ये 220 सेंटीमीटर ये एक चक्कर में तय की गई दूरी है, यानी ये एक चक्कर में तय की गई दूरी है, तो ये पहिए की क्या है, परिधि है, तो पहिए की जो परिधि है वो कितनी आ गई है, 220 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे परिधि 220 है, ये तो इस टेबल के अकॉर्डिंग 220 अगर परिधि है तो उसकी त्रिज्या कितनी आएगी, 35 आएगी। अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 132 थी, सेम वो का वो प्रोसेस होगा, यहाँ पे जो परिधि है उसको आप 2πr लिखोगे, ये कितना है, 220 है, तो 2 × π का मान 22/7 × r बराबर 220। तो ये दोनों संख्याएं इधर राइट साइड में जाएगी तो पक्षांतरण होकर के जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 220 × ये गुणा से गुणा में जाएगा तो 1/2 × 7/22 बनेगा, ये 22 की टेबल से 220 10 बार कैंसिल, 2 की टेबल से 5 बार कैंसिल, तो r बराबर 5 × 7 करेंगे तो ये 35 सेमी। यहाँ पर आपको पहिए का क्या पूछा है, व्यास, तो व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो व्यास क्या सूत्र होता है, 2r, तो 2 × 35 यानी कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर। तो ऐसा क्वेश्चन प्रश्नावली के अंदर है। चौथा क्वेश्चन वो आप खुद करना है, ये मोस्ट क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए, प्रश्नावली 15.1 का छठा क्वेश्चन। तो छठे क्वेश्चन 7वां, ये दोनों 3-3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो वर्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर² है, तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, तो आपके पास त्रिज्या का मान होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस वर्त की त्रिज्या से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं दिया हुआ है, आपको जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है वर्ग का। तो वर्ग के क्षेत्रफल से अपन वर्ग की क्या ज्ञात कर सकते हैं, भुजा ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल का वर्गमूल किसके बराबर होता है, वर्ग की भुजा के बराबर होता है। और उस भुजा के आने के बाद यहां स्टार्टिंग में परिधि का मान है ना, वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो आप भुजा से वर्ग का परिमाप ज्ञात कर सकते हो, और वो परिमाप अपन परिधि के बराबर करेंगे, और परिधि का मान आते ही आप आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए। तो इस प्रोसेस में अपन सबसे पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उससे वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 484 मीटर², तो वर्ग की भुजा आप डायरेक्ट सूत्र से निकाल सकते हो, ये क्या होता है, क्षेत्रफल का वर्गमूल होता है, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो ये क्षेत्रफल का वर्गमूल, तो 484 का वर्गमूल, और 484 किसका वर्ग होता है, ये 22 का होता है, तो इसकी भुजा कितनी आ गई है, 22। भुजाने के बाद यहाँ पे
बोल ऐसा भी कह सकते हैं दोनों का नाम प्रिमाप भी बोल सकते हैं या दोनों का नाम प्रिधि भी बोल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा 15.3 में, इसमें ये लाइन सेम होगी और आपको वर्थ और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है वहां पे। तो वो क्वेश्चन में दोनों का दोनों नाम उसने प्रिमाप दिया हुआ है, तो यहाँ वर्थ की प्रिधि से बोला इसने और यहाँ वर्ग का जो है प्रिमाप बोला है। तो प्रिमाप आप वर्ग की भुजा से ज्ञात कर सकते हैं, तो वर्ग का परिमाप पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 × भुजा 4 × साइड, तो 4 × भुजा कितनी है 22, तो कितना आ गया ये 88 मीटर आ गया परिमाप। ये वर्ग का परिमाप किसके बराबर है, वर्थ की परिधि के बराबर है। तो वर्थ की परिधि का मान भी कितना जाएगा, वर्थ की परिधि का मान आ जाएगा 88 मीटर। देखो 88 जब परिधि होती है तो त्रिज्या कितनी आती है उसकी 14 आती है, और 14 से क्षेत्रफल कितना आएगा 716 आएगा। तो वर्थ की परिधि 88 है, यानी 2 पाई आर का मान कितना है 88 है, तो 2 × 22/7 × आर का मान ज्ञात करना है बराबर 88। तो आर का मान ज्ञात करेंगे तो ये दोनों राइट साइड में जाएंगे, तो आर बराबर 88 × 2/1 का 1/2, 22/7 का 7/22। 22 की टेबल से 4 बार कैंसिल हो गया, 2 से 4 दो बार कैंसिल हो गया, तो आर का मान 7 × 2 कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। आर का मान 14 आ गया। अब आपको वर्थ का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्थ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 × आर का मान कितना है 14 × 14, 7 की टेबल से 14 दो बार कटोगे, 22 का 2 से गुणा होगा 44, 44 का 14 से गुणा करोगे तो 616 मीटर। ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर दे करके वापिस ऐसा बना सकता है, यहाँ वर्थ का क्षेत्रफल दे देगा और क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा वर्ग का क्षेत्रफल, तब ये क्वेश्चन है वो पूरा पूरा रिवर्स हो जाएगा। आप इसके क्षेत्रफल से त्रिज्या ज्ञात करोगे, त्रिज्या से आप उसका परिधि ज्ञात करोगे, परिधि से वर्ग का परिमाप के बराबर होगा, परिमाप से भुजा ज्ञात करेंगे, फिर भुजा से वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इस टाइप से वो क्वेश्चन बदल के दे, तो ऐसा भी कर सकता है वो। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लीजिएगा, बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।